तो इंडिया लाइंस को लगातार मिल रही बढ़त के बाद राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इंडिया लाइंस को लगातार मिल रही बढ़त को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की है। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर, दिल्ली से ये बड़ी खबर जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा आज तो नतीजे आए, वह जनता और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से कह रहे थे ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है, इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति के चेहरे पर वोट मांगा, आज ये स्पष्ट हो गया ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसके पहले ये बड़ा बयान दिया जहां उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि आज जो नतीजे आए वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से कह रहे थे ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। उन्होंने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि ये लड़ाई मोदी बनाम पार्टी नहीं, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस अन्य पार्टी नहीं, ये लड़ाई सीधा मोदी बनाम जनता की थी। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक व्यक्ति के चेहरे पर वोट मांगा था और आज ये स्पष्ट हो गया कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो आपको बताते चलें कि ये कुछ रुझान सामने आए हैं और इस